नमस्कार नेशन वन में आपका स्वागत है। मैं विधु कंडियाल। बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार विरोधी नीतियों पर जमकर हमला बोला। यूकेडी ने एक दिवसीय धरना दिया। वहीं यूकेडी के शांति प्रसाद भट्ट ने सरकार विरोधी नीतियों पर सरकार को जमकर घेरा। देहरादून के घंटा घर में यूकेडी ने वर्तमान सरकार की नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया। यूकेडी के नेता शांति प्रसाद भट्ट ने यमकेश्वर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि इतने सालों बाद भी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ और सभी सरकारों ने यहां पर सिर्फ राजनीति की। देखिए, आपने बहुत सही बात कही है। जिस तरीके से अगर आप देखेंगे, यमकेश्वर में बहुत बड़ा मेला होता है जो हमारा पौराणिक मेला है, गेंद मेला। आप देखेंगे सरकार की उपेक्षा से गांव के लोग इकट्ठे होकर अपने पौराणिक मेलों को जो है बचा रहे हैं, मगर सरकार जिस तरीके से वहां उपेक्षा कर रही है उन मेलों की, इससे एक संदेश जाता है कि उत्तराखंड में सरकार पहाड़ वालों की नहीं है, ये सरकार उन लोगों की है जो उत्तराखंड से जिनका कोई लेना देना नहीं है। यदि ये ऐसा ना होता तो आज उत्तराखंड के मेलों को सरकार उत्साहित करती, वहाँ फंड करती, मेलों के लिए स्थान करती। यमकेश्वर का आपने सब जिक्र किया है, यमकेश्वर क्षेत्र के अंदर ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना कोई स्टेडियम है, ना इन मेलों के उत्थान के लिए कोई इस तरह की सरकारी समिति वहाँ पर जाकर कार्य करती है, जिसके कारण उत्तराखंड की और यमकेश्वर की जनता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है। सवाल आपने किया है, उत्तराखंड देव संस्कृति का राज्य है और यमकेश्वर के अंदर बड़े बड़े पौराणिक मंदिर है, और हम यमकेश्वर क्षेत्र की जो जनता है वो अपना सांस्कृतिक विकास जो करना चाहती है, वो चाहती है हमारा आध्यात्मिक विकास हो, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है नीलकंठ मंदिर के अंदर शराब परोसने की बात तो करती है, मगर साइन बोर्ड गठित करने की बात नहीं करती। देहरादून से अमित रतोड़ी की रिपोर्ट। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज यमकेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने ऐतिहासिक गिंदी कोतिक मेले में भाग लिया। यूं तो आपने बहुत सारे मेलों की रौनक देखी होगी, लेकिन यमकेश्वर के थल नदी में लगने वाले इस मेले की अपनी ही खासियत है। आपको बता दें कि यमकेश्वर के थल नदी में हर साल मकर संक्रांति के मौके पर गिंदी कोथिक का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी तादाद में दूर दूर से लोग आते हैं। इस बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मेले में पहुंचे तो उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। यमकेश्वर से भगवान सिंह की रिपोर्ट। उद्यम सिंह नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एसटीएफ कुमाऊं और पुल भट्टा थाने की पुलिस ने सूचना के आधार पर दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर के 8 तमंचे बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि लंबे समय से दोनों आरोपी यूपी से उत्तराखंड के कई जिलों में अवैध हथियार की सप्लाई करते थे। सूचना मिलते ही एसटीएफ और पुल भट्टा थाने की टीम ने थाने के पास से दोनों आरोपियों को 8 तमंचों के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं जिले के एडिशनल एसपी देवेंद्र पीचा ने बताया कि संगठित अपराध रोकथाम में एसटीएफ व पुलिस को बड़ी सफलता कही जाएगी। आरोपियों ने बताया कि वो लोग यूपी से हथियार लाकर उधम सिंह नगर व नैनीताल जिले में सप्लाई करते थे। उधम सिंह नगर से यामीन अहमद मलिक की रिपोर्ट। उत्तराखंड इंजीनियर एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और मांगे ना माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आपको बता दें कि इंजीनियर एसोसिएशन ने आज सचिवालय कूच किया, जहां उन्होंने सरकार पर उपनल में की जा रही भर्ती को रोकने की मांग की। वहीं अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह ने कहा कि सरकार आयोग द्वारा परीक्षाओं का समय सीमा तय कराए। साथ ही कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 1 फरवरी से अन्य बेरोजगार इंजीनियर भी धरने पर बैठ जाएंगे। हमारी मांग ये है कि जो भर्ती है वो उपनल के थ्रू ना हो, आउटसोर्सिंग के थ्रू ना हो, स्थायी भर्ती लाई जाए। मुख्य मांग हमारी ये है कि उपनल के थ्रू ना हो, सीधी भर्ती लाई जाए, जिसमें जिसमें तो हमें वो एग्जाम क्वालिफाई करके निकाले। इंडियन इंजीनियर सोसाइटी का अध्यक्ष, मेरी तरफ से एक उत्तराखंड के सभी इंजीनियर्स को मैसेज है कि प्लीज हमारे जो ये धरना प्रदर्शन है, हमने छोटी सी पहल की है, इसको सपोर्ट करें और आउटसोर्सिंग के द्वारा या संविदा के द्वारा भर्ती को बंद किया जाए। आप लोग प्लीज हमारा साथ दें, हमारा पूरा उत्तराखंड इंजीनियर का एक बहुत बड़ा ग्रुप इसके लिए काम कर रहा है, तो प्लीज हमारे आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में
इंजीनियर हमारे साथ जुड़े और हमारी हेल्प करें। हमारी प्रमुख मांगे जो हैं वो सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, 50,000 जो युवा इंजीनियर हैं उत्तराखंड के उनके लिए है। प्रशासन ने क्या किया है, प्रशासन ने पूरी की पूरी वैकेंसी उपनल को दे दी है। हम नहीं चाहते ये उपनल के माध्यम से, क्योंकि उपनल में ज़्यादातर रिश्तेदार और नेताओं के ही बंदे लगते हैं, जो कैंडिडेट योग्यता है जिसके अंदर वो बंदे नहीं लगता। देहरादून से हितेश त्यागी की रिपोर्ट। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार।